नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा कल जुडिशियरी 32वीं न्यायिक सेवा का पीटी का रिजल्ट घोषित किया गया। आपको बता दें कि कल शाम को ही हमने आपको बताया था और अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी थी जो सफल होने वाले कैंडिडेट हैं। हालांकि रिजल्ट जो है बाद में आया और आपको बता दें कि जो रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें 1675 कैंडिडेट जो है वो सफल हुए हैं, जिनको अब इंटरव्यू में शामिल होना है, यानी कि इसके बाद जो है उनका साक्षात्कार होगा। आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है इसमें दिया गया है कि जनरल स्टडी और लॉ विषयों के प्राप्तांक के योग के अनुसार तैयार की गई संयुक्त मेधा सूची एवं आरक्षण कोटि मेधा सूची के आधार पर आयोग साक्षात्कार हेतु 1675 सफल उम्मीदवारों का परीक्षा फल अनुक्रमान कुमार वाइज प्रकाशित किया है। और कट ऑफ की बात करें तो देखिए आप, नीचे कट ऑफ भी दिया गया है। जो जनरल कैटेगरी है वो 168, जो जनरल में फीमेल है 167, मात्र एक अंक कम। ईडब्ल्यूएस 153, ईडब्ल्यूएस फीमेल 150, एससी के लिए 125, एसटी के लिए 126, एसटी फीमेल के लिए 125, ईबीसी 136, ईबीसी महिला 129, बीसी 150, बीसी महिला 149 और डिसेबल जो हैं उनके लिए 136। तो ये जो है कट ऑफ गया है बीपीएससी न्यायिक सेवा का। आपको बता दें कि जुडिशियरी से संबंधित दो परीक्षाओं के अब इंटरव्यू होंगे। एपीओ का 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है इंटरव्यू, 3 से लेकर 7 तक, और उसका फिर अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक इनका इंटरव्यू होगा। बीच में आपको बता दें कि 9 से लेकर 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बीपीएससी का जो है वो इंटरव्यू का चल रहा है प्रोसेस, बीपीएससी सब तकनीक का। और जुडिशियरी का संभावना जो है, आपको हम बता दें कि संभावना जो जुडिशियरी का इंटरव्यू का वो 21 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में या फिर 5 नवंबर के बाद हो सकता है कि आधा इस बीच में करा लिया जाए या पूरा को करा लिया जाए 10 दिन में। 1675 हैं, 2100 के आसपास कैंडिडेट हैं, तो बीपीएससी में सब तकनीक में 2100 के आसपास कैंडिडेट हैं, उनका 11 दिनों में इंटरव्यू पूरा हो जा रहा है। तो ये 1675 है तो हो सकता है कि 9 दिन में इसे पूरा किया जा सके। 21 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में इनका इंटरव्यू ले लिया जाए, ये भी हो सकता है। हालांकि बीच में छुट्टी का समय है, दशहरा है, तो 2 दिन छुट्टी है, तो संभावनाएं बनती हैं। जो हो सकता है कि शुरुआत कर दिया जाए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि 5 नवंबर के बाद जुडिशियरी का इंटरव्यू शुरू हो। लेकिन आप तैयार रहें कि 20 और 30 अक्टूबर के बीच में भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, भले ही आधे कैंडिडेट का लिया जाए, आधे कैंडिडेट का फिर 5 नवंबर के बाद लिया जाए। तो आपको बता दें कि जुडिशियरी के जितने कैंडिडेट सफल हुए हैं उनका इंटरव्यू जो है वो 20 अक्टूबर के बाद ही संभावित है, क्योंकि 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक एपीओ का इंटरव्यू है, 9 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में 67वीं बीपीएससी जो सिविल सेवा जो है उसका इंटरव्यू पर डेट रखा गया है। और बताएं आपको कि जुडिशियरी का संभावना है कि 20 अक्टूबर के बाद फिर 2-3 दिन छुट्टी रहेगी, दुर्गा पूजा का समय है, तो या तो 25 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में ये ले लें कुछ, पूरा तो 1675 नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ले लें, जिस तरह एपीओ में इन्होंने किया कि आधा पहले ले रहे हैं आधा बाद में ले रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पूरे कैंडिडेट का जो है 32वीं लोक जो न्यायिक सेवा का इंटरव्यू है वो एपीओ के इंटरव्यू के बाद शुरू हो सकता है। तो देखिए क्या होता है। जो भी कैंडिडेट सफल हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं, इंटरव्यू की तैयारी आप अच्छे से करें और सारे चीज़ों को देख लें। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।